हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा 21 मार्च को हम लोग का पबजी मोबाइल का 3rd एनिवर्सरी हुआ, जिसके लिए बहुत बड़ा ऑनलाइन पार्टी पबजी मोबाइल ऑर्गेनाइज किया और जिसमें बहुत सारा ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें से एक था काराकिन का रिलीज डे। उसके साथ साथ पबजी मोबाइल ऑफिशियली रिवील किया वो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के साथ कोलैब करने वाला, और उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड मोड आएगा। तो फाइनली जो मोड के बारे में वो लोग बोले थे, उसका पहला पार्ट का गेम प्ले हम लोग के पास आ चुका है, जिसमें आपको मैं गॉडजिला दिखाने वाला, वो भी इरेंगल मैप में। और आपको पता है पबजी मोबाइल का जो करंट ग्लोबल वर्जन चल रहा है, उसमें भी आपको बहुत सारे स्टार दिखाई दे रहा होगा इरेंगल एंड सनरॉक मैप में। इरेंगल में आपने देखा कि बहुत सारे पंजा का निशान आपको दिखाई दे रहा है मैप का बीचों बीच, स्कूल का सामने, इवन दीवार सब में भी आपने बहुत सारे स्टार देखा होगा। तो पबजी मोबाइल अभी से ही टीज करने स्टार्ट कर दिया ग्लोबल वर्जन में, बट सबसे पहले पबजी मोबाइल का चाइनीज वर्जन या गेम फॉर पीस में आने वाला है। और फाइनली हम लोग के पास गेम फॉर पीस का बीटा का गेम प्ले आ चुका है, थैंक्स टू लकी मैन जिन्होंने मुझे ये गेम प्ले प्रोवाइड किया। उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलो फटाफट से हम लोग मैच लगा लेते हैं। तो इधर आप देख पा रहे गेम फॉर पीस का क्या ही ओपी लॉबी लग रहा है, तो फटाफट से हम लोग मैच लगा लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे इरेंगल में हम लोग आ चुके हैं और पूरा अंधेरा है, और तो उसके साथ साथ आप देख पा रहे ऊपर बिजली भी कड़क रहा है, और राइट साइड में आप देख पा रहे गॉडजिला पानी से निकल रहा है। लिटरली भाई इसका एनिमेशन देखो, ओ भाई रियलिस्टिक एकदम बना दिया। तो इसीलिए मोबाइल डिवाइस में होने के बावजूद ये इतना ओपी गेम अभी भी लोग मानते हैं। तो और इसके साथ साथ आप देखो यार इसका इफेक्ट देखो, ओ भाई एक गेम, एक मूवी को इतना रियलिस्टिक तरीके से गेम में इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा बात है। भले ही टेंशन इंडिया में बैंड है, बट हैट्स ऑफ तो करना ही चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा डेवलप किया है इसको, जैसे कि आप देख पा रहे। और वैसे आपको पता है इससे पहले भी गॉडजिला के साथ कोलैब किया है पबजी मोबाइल, तो उस टाइम TDM को लॉन्च किया गया था, बट इस बार गॉडजिला का अलग ही एक मोड आएगा। और इस बार केवल गॉडजिला एक ही जगह खड़ा नहीं रहेगा, पूरा मैप में आप बोल सकते हैं पाथ क्रिएट किया जाएगा, और उसको बोल सकते हैं फॉलो कर करके आगे वो बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे इरेंगल मैप में, पहले हम लोग दिखाने वाला हूँ, तो इरेंगल मैप में ये वाला मोड आपको दिखाई दे रहा। अब मुझे नहीं पता ये अलग से मोड आएगा या क्लासिक में इवेंट मोड में आएगा, बट जितना मुझे लगता है ईवो ग्राउंड में आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे गॉडजिला आपको दिखाई दे रहा, और हम लोग एक स्टेशन में जाने वाले, स्टेशन का नाम कुछ अल्फा कुछ था नाम, तो अगर आप गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का मूवी देखे होंगे तो आपको ये वाला स्टेशन का नाम पता रहेगा। और ये जो गॉडजिला ये पाथ फॉलो करेगा, जैसे हम लोग का प्लेन डायगोनली फॉलो कर रहा ना पाथ, वैसे ये गॉडजिला भी पाथ फॉलो करेगा, और उसके रास्ते में जो भी ये सब बिल्डिंग आपको दिख रहा है वो तोड़ तोड़ के आगे जाएगा। चलो हम लोग पूरा गेम प्ले को देखते हैं, आपको बहुत सारा एंटरटेनिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से ये वाला लोकेशन में उतरते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितना लूट मिलता है। तो उसके साथ साथ और एक जन हम लोग के सामने उतर गया, तो बीटा वर्जन में एक्चुअली अगर जो समझदार होता है वो मारते नहीं, क्योंकि उसको ही पता है कि हम लोग गेम प्ले रैंक पुश तो करने आए नहीं है। तो इधर आप देख पर एनिमेशन आपको दिखाई दे रहा बहुत ही ओपी गॉडजिला का। तो उसके साथ साथ ये बीटा वर्जन में तो कुछ कुछ ग्लिच आपको दिखाई देगा, बट एक चीज़ बता देता हूँ, जब ये ग्लोबल वर्जन में आएगा या फिनिश प्रोडक्ट बन के आएगा, तब आपको सही में जो एक्चुअल एनिमेशन है वो आपको दिखाई देगा। तो ओके, थोड़ा बहुत हम लोग लूट कर लेते, उसके बाद हम लोग गॉडजिला का पूरा देखने वाले क्या क्या करने वाला हो। इधर आप देख पा रहे गॉडजिला ग्लिच हो गया, वो ऐसे आ रहा डायरेक्टली, और एक मॉन्स्टर आपको दिखाई दे रहा, उसको भी वो मार देगा, जैसे कि आप देख पाएंगे ये जो मॉन्स्टर आपको दिखाई दे रहा है ग्लिच के चलते आपको दिख रहा बंद हो जा रहा, बट एक्चुअल में वो मॉन्स्टर को मारता है, जैसे कि आप देख पा रहे। ओके जी, वो मॉन्स्टर को मारता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। मैं जैसे कि बताया वो एक पाथ फॉलो करता है, और पाथ में जो जो चीज़ आता है भले वो मॉन्स्टर हो घर हो सबको वो ब्रेक कर करके चल जाता है, ठीक है। तो चलो इधर आप देख पा रहे गॉडजिला उड़ उड़ के आ रहा है, बट एक्चुअल में वो चल चल के आएगा। ये एक बोल सकते बीटा वर्जन है, तो ग्लिच तो होता ही है कभी कभी स्टार्टिंग में, जस्ट आज ही गेम फॉर पीस में आया है तो इसमें थोड़ा सा ग्लिच आपको दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में जब ये आएगा जब चलेगा गॉडजिला तब आपको और भी एपिक देखने को लगेगा। वैसे गॉडजिला को अगर आप मानने जाएंगे तो वो मरेगा नहीं, इवन कोई प्लेयर को मारता नहीं, बट अगर आप उससे सटने जाएंगे तो आप डेफिनेटली मारे जाएंगे, ठीक है। इधर आप देख पा रहे हो फ्लोट कर करके आ रहा, और जैसे ही आप देख पा रहे जो स्टेशन में आप खड़े हैं वो स्टेशन को ये तोड़ देगा, पुच्छी से तोड़ देगा, जैसे कि आप देखेंगे घुमा इधर आया, और भाई देखो इसको इतना जायंट, बाप रे हाइट देखो इसका भाई, दिया पुच्छी से ओ भाई लिटरली डैमेज नहीं पड़ेगा, बट इधर आप देख पा रहे पूरा जो स्टेशन था उसको तोड़ दिया गया है। तो रोड में जो भी स्टेशन आएगा उसको तोड़ते तोड़ते गॉडजिला आगे जाएगा, और मॉन्स्टर भी बीच बीच रहेगा तो मॉन्स्टर को भी मारते मारते वो आगे बढ़ेगा।
तो चलो हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, और गॉडजिला का पीछे पीछे इसका जो पाथ वो फॉलो कर रहा है उसका पीछे पीछे जाते हैं, और क्या क्या एंटरटेनिंग चीज़ देखने को मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लिच के चलते ऐसा अजीब सा फ्लोट कर रहा है, बट एक्चुअल में ये चलता है। ठीक है, इधर आप देख पाए कि मॉन्स्टर आपको दिखाई दे रहा है, और ये मॉन्स्टर को आप भी मार सकते हैं, जो एमओ से आप मारे बोला एमओ आपको मिल जाएगा, बट गॉडजिला ही इसको मारते हैं क्योंकि इसका रास्ता में आ रहा है। मार दिया ना। तो ये चीज़ एपिक है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, गॉडजिला एक पाथ फॉलो करता है, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें गिराता है जब वो अपना एनिमेशन दिखाता है, अब मुँह से जो लेज़र इफेक्ट जो निकालता है ना, तो उसके बाद वो पीछे आप देख पा रहे ये कुछ क्रिस्टल गिराता है, और जो कि एक ग्रेनेड जैसा काम करता है, जैसे कि आप देख पा रहे ग्रेनेड और मॉली का कॉम्बिनेशन है, अगर ये आपके बॉडी में लगता है तो वो मॉली जैसा आपको आग लगाता है। ग्रेनेड जैसा उतना डैमेज तो नहीं देता, बट ठीक है, उसके साथ साथ हॉट एयर बलून भी आपको दिखाई देगा, जिससे आप उड़ के ऊपर आप देख सकते हैं गॉडजिला का पूरा लुक कैसा लगा, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। और एकदम लिटरली इतना जायंट गॉडजिला काफ़ी एपिक लग रहा है, अगर आप गाड़ी घोड़ी से उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वैसे कुछ भी नहीं होने वाला, वो सबको मार मुर के निकल जाएगा और आप भी ख़त्म हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपने मैप में नोटिस किया होगा कि बहुत सारा और भी लोकेशन था, तो बाकी जितना भी लोकेशन था उसमें आपको मॉन्स्टर दिखाई देगा, उसके साथ साथ एक स्टेशन दिखाई देगा, और ये सब मॉन्स्टर को मारेंगे तो आपको एमओ उमो मिलेगा, जैसे आपको पता इससे पहले भी जॉम्बी उम्बी मोड में आपको पता है ऐसे ही होता है, जॉम्बी को मारते हैं तो आपको कुछ एमओ मिलता है, और दो तीन टाइप का आपको मॉन्स्टर देखने को मिलेगा ये पूरा मोड में। ये वीडियो में केवल ये मोड का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ जगह जगह में क्या क्या चीज़ है। जैसे हम लोग पबजी मोबाइल का ग्लोबल बीटा वर्जन में ये चीज़ आएगा, जो कि डेफिनेटली मुझे पबजी मोबाइल 1.4 में देखने को मिलेगा यही वाला मोड, और तब मैं आपको और भी अच्छा तरीके का दिखाऊंगा कैसे आपको ये सबको बीट करना, क्या क्या एक्सक्लूसिविटी है, तो वो भी हम लोग देखेंगे बाद में। ये मोड के लिए आपको ज़्यादा दिन वेट करने का जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी ये मोड मिल जाएगा, क्योंकि पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में भी ये टीज करना स्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली पबजी मोबाइल 1.4 का अपडेट में आपको ये मोड देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी एपिक मोड लग रहा है, और ये तो केवल पार्ट वन है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया ये पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आने वाला है, जो कि सैनॉक में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है ये मूवी में केवल एक ही बोल सकते हैं मेन एलिमेंट नहीं है गॉडजिला, उसके साथ साथ कॉन्ग भी तो है, तो कॉन्ग आपको कहाँ देखने को मिला है अभी ग्लोबल वर्जन में, वो है हम लोग सैनॉक मैप में, आपको कॉन्ग का बहुत सारा हिंट्स दिखाई दिया होगा स्पॉन आइलैंड में उसका हड्डी उड्डी, तो कॉन्ग आपको सैनॉक में देखने को मिलेगा और गॉडजिला आपको इरेंगल में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए गॉडजिला का गेम प्ले अभी तक आया है, कॉन्ग का जैसे ही आएगा तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि कॉन्ग का कैसा गेम प्ले है, ऐसे ही रहेगा कि कुछ अलग तरीके का रहेगा, डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। फिलहाल के वीडियो को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये तो पहला पार्ट है, जैसे मुझे कॉन्ग का भी गेम प्ले मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।